हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज homeanow.com जयपुर आया है और हम लोग जयपुर इसलिए आए हैं कि हम जयपुर रग्स एक कंपनी है जो कारपेट्स और हैंड वूवन कारपेट्स बनवाती है वीवर्स के साथ, और हम उनके फाउंडर मिस्टर नंद किशोर चौधरी को इंटरव्यू करने आए हैं। मिस्टर एनके सर मेरे खुद के पर्सनल हीरो रहे हैं सिंस मेरे कॉलेज के टाइम से, मैंने उनके बारे में पढ़ा भी था। एनके सर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर वेलकम टू homeanow.com। थैंक यू। और ये हमारा प्रिविलेज है कि हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं आज। थैंक यू सर। शुरू से शुरू करते हैं, जब आपने जयपुर रग स्टार्ट किया, आप हमें स्टार्टिंग से बताइए कि रग से क्यों स्टार्ट किया आपने फर्स्टली, और मेनली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आपका इतना कितनी रुचि क्यों रही कि स्टार्टिंग से आप, मैंने आपके इंटरव्यूज पढ़े हैं, आपको हमेशा लोगों की हेल्प करके काम करने में रुचि रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मतलब जब मैंने बीकॉम करने के बाद, मतलब मैंने एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ में एडमिशन के बाद में क्या क्या हुआ। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की, मेरे पिताजी एक ब्रांडेड शूज की दुकान चलाते थे शुरू में। तो बीकॉम करने के बाद में मैंने अपने करियर की शुरुआत वहाँ से की, और जब मैं दुकान पे अपना करियर शुरू किया तो मुझे बैंक में, एक सरकारी बैंक में कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी। अच्छा। जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। मैंने उनको धन्यवाद लिखा कि आपने इस लाइक समझा मेरे को। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि चूरू में ज्यादा एक परचेजिंग पावर नहीं था। हाँ। चूरू छोटी जगह थी। राइट। और फिर सेल्समैनशिप में मेरा मन नहीं लगता था। हाँ। तो मैंने अपने अंदर खोजना शुरू किया कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ। नेचर के साथ समय गुजारने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उस वक्त मुझे जानकारी हुई कि इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में मांग बहुत थी। अच्छा। और कारपेट बनाने वाले वीवर इंडिया में बहुत कम थे। हाँ। तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं अपनी शुरुआत करूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल। ऐसे ऐसे छोटे गांव में जाने का मौका मिलेगा जहां कोई कोई नहीं जाता। तो मैंने 5,000 रुपये अपने पिताजी से लोन लेके, अच्छा, दो लूमे खरीदी, एक पुरानी साइकिल खरीदी, और ये 78 में। अच्छा। और इस धंधे की शुरुआत की, मतलब परफेक्ट, नो वीवर के साथ। लेकिन जब इस धंधे को शुरू मैंने किया तो मुझे वीवर और वीविंग से इतना ज्यादा प्रेम था कि मैं दोपहर का खाना भी उन वीवरों के साथ बैठ के खाता था। अच्छा। जबकि परिवार वाले, मोहल्ले वाले सब बोलते थे कि ये सारे लोग तो अनटचेबल है, अछूत जाति के लोग हैं। हाँ। तो इनको आप छूओगे तो हम आपको घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले हम आपको मोहल्ले से निकाल देंगे। और आप एक जैन फैमिली से भी हैं। हाँ, अग्रवाल फैमिली से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम, बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है। और ये 70s की बात करते हैं। हाँ, उस वक्त तो और भी। तो तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। बिल्कुल। और तब मुझे समझ में आया कि मेरे परिवार के लोग, समाज के लोग जो उनको अछूत बोलते हैं, ये अधिकार किसने दिया। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि एक समाज में, परिवार में हिपोक्रेसी कितनी है। बिल्कुल। लोग घर पे कुछ हो रहे हैं, मंदिर में कुछ हो रहे हैं, ऑफिस में कुछ हो रहे हैं, और अकेले होते हैं तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग। तो मुझे वो सब चीज़ों से दिखाई देने लगी। तो वीवर के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ऐसे स्टार्ट चला गया। फिर 8 साल तक मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग किया काम। हाँ। उसके बाद में फिर अपने भाई के साथ मिलके मैंने एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। अच्छा। फिर मैं 3 साल तक जयपुर में रहा और एक्सपोर्ट की शुरुआत की। लेकिन उस वक्त क्या है कि कारपेट की मांग बहुत ज़्यादा थी और बनाने वाले वीवर कम थे। तो मुझे पता चला कि गुजरात का एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर, मतलब, सरकार कोशिश कर रही है कि ट्राइबल लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए काम देवे, तो वहाँ मैं गया। तो जब पहले दिन में वहाँ पर गया
तो लोगों ने बोला कि ये आदिवासी लोग बाहर के आदमी को पसंद पसंद नहीं करते, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये आपका पट छीन लेंगे, आपकी पिटाई कर देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन सब आपको पहले ही बोल दिया गया जब आप, हाँ 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 हाँ, और आप फिर भी चले गए। हाँ नहीं, लेकिन मेरा एक अंग्रेज दोस्त था आइला कोपर, तो वो क्या है कि साल में एक डेढ़ महीने मेरे साथ ही रहता था। अच्छा, हमारे घर पे शाम को खाना वाना खाता था। अरे वाह। तो उसको मैंने पूछा कि ये सब लोग इस तरह से कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जो आदिवासी लोग है ये सबसे इनोसेंट कौम है, बाहर के लोगों ने आके इसका इनका शोषण किया, तो ये आउटसाइडर को पसंद नहीं करते। हाँ। तो तुम इनको अपने परिवार की तरह लव एम्पैथी कंपैशन से डील करोगे तो दोज पीपल विल बी योर लॉयल फोर्स। तो उसकी बात को मान के मैं गया और 3 साल में मुझे वहाँ पर उन लोगों का इतना प्रेम मिला कि दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड देयर मेंटर। अरे वाह। और 3 साल में जब मैं उनसे गांव में मिलने को जाता था तो उनके माँ बाप अपने घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे और स्वागत करते थे। अरे। तो 8 साल फिर मैं 8-9 साल तक वहाँ पर गुजरात में रहा और वहाँ पर मेरे 5 बच्चे थे, 5 बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए गए वहीं से। अच्छा सर, तो आप सर आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि मैं गुजरात चले गया। हाँ, लेकिन सर एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपने 10 साल जयपुर और यहाँ चलाया पहले और फिर 10 साल के बाद आप सडनली एक एस्टैब्लिश बिजनेस है आपके पास और ये 1980s की बात है और आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा, 1980s बहुत बढ़िया जी। और आप एकदम से यहाँ से निकल के आपको पता चला कि ट्राइबल क्राफ्ट्समैन है और उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है और आप चल रही है बस गुजरात के, चलो करते हैं काम। तो सर वहां जाके इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, कैसे आपने उन व्यूवर्स को अपने साथ लिया, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आप वहां भी नहीं, यहाँ पे भी जब आप व्यूवर्स के साथ काम करने जाते थे, जैसे आपने बताया कि आप अनटचेबल्स के साथ भी काम करते थे, स्टार्टिंग ही उन्हीं से किया आपने, तो ये इनिशियली इन सब व्यूवर्स को आपने अपने साथ इतना लॉयली कैसे जोड़ा जो आज आपके पास 40,000 व्यूवर्स है, आपने 9 लोगों से स्टार्ट किया था, तो ये जो एक पर्सनल कंपैशन और रिलेशनशिप आपने बनाई व्यूअर्स के साथ, ये इनिशियली कितनी डिफिकल्ट थी जब आप स्टार्ट किए, क्योंकि ये लोग व्यूअर्स है, ये लोग इजीली ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये उसके बारे में कुछ बताइए सर। बहुत बहुत बड़ा सवाल है और अभी मैं एक भी लग रहा हूँ कि कौन प्रिंस में कीनोट स्पीकर था 3 दिन पहले। हाँ। बंगलोर में। अच्छा, तो वहां भी सभी वहां तो सारे 700 स्टार्टअप आए थे। अच्छा, अच्छा। तो मोस्टली लोग यही वाला सवाल पूछ रहे थे। अच्छा। देखिए जब मैं सबसे पहले आदिवासी एरिया में गया तो वहां तो ऐसे थे कि वहां तो पक्के मकान भी नहीं होते थे। ओ। तो मेरे को एक आधा पक्का आधा कच्चा मकान मिला। अच्छा, तो उसका किराया था 300 रुपये। तो मैं और भाई 300 रुपये के किराए के मकान में चले गए। हाँ हाँ, अरे मकान में रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, उस मकान में उस गांव का सरपंच कोई आया, उसके साथ एक आदमी था। अच्छा। तो वो मेरे से मिलने के लिए आया, तो वाइफ को मैंने बोला खाना बनाइए, तो वाइफ ने खाना बनाया, उनको दोनों थाली परोस दी। तो फिर मैंने बोला मेरा भी खाना लगा दो, तो वाइफ ने बोला थाली तो दो ही है। अच्छा। तो जब ये खा के जाएंगे तब आपको दूंगी खाना। सही बात। तो वहां पर मैं उस मकान में 6 महीने तक रहा। अच्छा। और जैसे मैंने बोला कि उस वक्त उस एरिया में इतने सारी ना पॉलिटिक्स इतनी बुरी थी, लोग दारू पीते थे, इतने बदमाश गुंडे जैसे लोग थे। तो हमेशा ये खतरा रहता था कि ये जो लोग हैं आदिवासी ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या, देखिए जब से बचपन से लेके आज तक मैंने जो किया, आई वाज ड्रिवन बाय द कंपैशन। Right. तो मेरा व्यवहार उन लोगों के लिए इतना अच्छा था कि धीरे धीरे 2-3 साल में उनको पता चल गया कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। शुरू में जब मैं वहां जाता था तो वहां पर उस वक्त बीड़ी पीना ना, बीड़ी मिलना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अच्छा। तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं 2 या 3 पैकेट बीड़ी के लेके जाता था, माचिस लेके जाता था। तो कोई भी रास्ते में था, कोई बदमाशी करने की कोशिश करता, उसको बीड़ी दे देते और माचिस से उसको सिलगा देता। अच्छा, अच्छा। तो धीरे धीरे लोग मेरे दोस्त बनते चले गए। इससे बहुत दोस्ती बनती भी है सर। और धीरे धीरे मेरी ये हालत हो गई थी, उन गांव के लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया था कि जो दारू पीते थे वो लोग, जो रास्ते में रोकते थे, जो पैसे मांगते थे मेरे से, बोलते हम आपका काम बंद कर देंगे, आपकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे,
तीन या चार साल बाद मेरी आदत हो गई थी कि जब मैं काम जाता था तो उनके घर वाले इतना रिस्पेक्ट करने लग गए थे मेरा कि दारू पीने वाले लोगों को कमरे में बंद कर देते थे कि आज भाई साहब आ रहे हैं। अच्छा सर। तो ये उनके सामने नहीं जाए, इतना उनका शर्म से चेहरा जो क्या बात है। तो मेरा मतलब कि आपके सवाल का जवाब ये कि जो प्रेम जो है इट मेक्स एवरीथिंग इजी। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है, आदमी क्या है कि अपने आप से प्रेम प्रेम नहीं करता। एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, योर लव स्टार्ट ओवरफ्लोइंग एंड देन रीचेस टू द अदर्स, देन यू गॉट नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर। Exactly. Other people. तो इतने स्मूथ रिलेशनशिप कैसे हुए मुझे भी नहीं मालूम। वो जो प्रेम का दरिया था उसमें सब नाते चले गए। अच्छा। और रिलेशनशिप एकदम इजी का बैरियर सब ना रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अब बात करते हैं, आपने 10 साल इनिशियली रग्स बना के कॉन्ट्रैक्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को बेचा, फिर आपने डिसाइड किया कि आप खुद एक्सपोर्ट करेंगे। राइट। उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये अर्ली 80s है, अब तक इंडिया की इकोनॉमी भी नहीं खुली है, लिबरलाइजेशन अपने को पता 91 में हुआ। तो उस वक्त आपने एक तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, सेकेंडली एक्सपोर्ट मार्केट्स एक्सप्लोर किए। तो उस वक्त इनिशियली मुझे आई एम श्योर आपको ये चैलेंजेस फेस होंगे कि बाहर ये इश्यूज आए होंगे कि इंडियन व्यूअर्स हैं, हम कैसे ट्रस्ट कर ले क्वालिटी। बहुत अच्छा सवाल है। और ये हमको क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो वो उसमें जो जो चैलेंजेस थे उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने ये भी पढ़ा कि आपको वॉकी टॉकीज की परमिशन मिली और किसी और कंपनी को नहीं मिली थी, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा। उस वक्त जो जब इंडिया की कारपेट इंडस्ट्री थी ना, वो बहुत बदनाम थी पूरे वर्ल्ड में। सब लोग बोलते थे कि स्वामी अग्निवेश का उस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो सब बोलते थे कि इंडिया में चाइल्ड लेबर काम में लेते हैं। राइट। तो इतनी भारी बदनामी थी कि मैं सोच नहीं सकता कोई। अच्छा अच्छा। और दूसरा एक्सपोर्ट भी उस वक्त करना बड़ा पेचीदा था, क्योंकि सरकार के कानून कायदे ऐसे थे। आज तो बहुत सिंपल हो गया, लाइसेंस राज। और तीसरा, जो मैंने सबसे पहले 5 लाख की लिमिट के लिए बैंक में अप्लाई किया, तो मैं जानता हूँ कम से कम 12 महीने लग गए मेरे को। आज तो मतलब घर घर बैठे पैसे देने के लिए आते हैं, एक नहीं 100 लोगों की लाइन लगी है। तो उस वक्त के जो चैलेंज थे ना, वो एक्सपोर्ट करना कॉम्प्लेक्स था। इंडिया में कारपेट के मार्केट की चाइल्ड लेबर और ये केमिकल डाइंग की वजह से बहुत बहुत भारी बदनामी थी। बहुत। तो फिर मार्केट्स आपको कैसे मिले सर एक्सपोर्ट के, आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब इनिशियली कि चलो आज अब हम यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने अपना जॉब वर्क बंद करके आई वर्क्ड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर फॉर 8 ईयर्स। अच्छा अच्छा। जब फिर मैंने अपना एक्सपोर्ट करने की सोची तो मैं जयपुर आया, तो मेरी क्या की बनाने में बहुत मास्टरी थी। अच्छा। और सब लोग मेरे को एक गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में पूरे इंडस्ट्री में जानते थे, मतलब। हाँ। तो जब मैं आया तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि जो कस्टमर थे, हाँ। उनके जो बाइंग एजेंट थे, वो धीरे धीरे मेरे से संपर्क करने लगे। क्योंकि आप ऑलरेडी 15 साल से इस इंडस्ट्री में। हाँ, मैं जॉब वर्क कर रहा था तो पहचान थी, मतलब। बिल्कुल। तो उस तरह से एक्सपोर्ट करने में कोई खास मेरे को दिक्कत नहीं आई। और जो सबसे पहला मैंने एक्सपोर्ट किया वो जर्मनी किया। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। जर्मनी में आपने अवार्ड भी जीता है जयपुर रग्स ने। जर्मन डिजाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए फेमस है, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए। बिल्कुल। बट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट की एक रग कंपनी को जर्मन लोगों ने डिजाइन अवार्ड दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और वो डिजाइन अवार्ड भी क्या है कि हमारी एक महिला है, बीवर महिला बिमला देवी, जो कभी स्कूल नहीं गई। अच्छा अच्छा। कभी अपने घर के बाहर नहीं निकली। अच्छा। उसने अपने खुद के डिजाइन का कारपेट बनाया। हाँ। और उसको खुद के डिजाइन पे और ये जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला। और हाँ। खुद वो जर्मनी मेरी बेटी के साथ उस अवार्ड लेने के लिए गई। अच्छा अच्छा। जब वो स्टेज पे गई तो 500 फॉर्च्यून कंपनी के लोग उसमें थे, मतलब। और उसके बीच में वो अवार्ड लेके आई। ये चीज तो कोई भी नहीं दे सकता, मतलब पैसा एक अलग चीज है, बट ये जो इज्जत है, ये जो एक उनको अप्रिसिएशन की फीलिंग मिली होगी, आई एम श्योर कोई भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अपने लोगों को प्रेम प्रेम करते हैं, तो उनकी क्षमताएं अपने आप निखरती चली जाएगी। तो सर मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता था, जैसे आपने बताया कि आप औरतों के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए
उनके डेवलपमेंट के लिए आप बहुत काम करते हो, ज्यादातर जो आपके क्राफ्ट्समैन है वो औरतें हैं। तो आपने जो ये फोकस किया है कि हाँ काम औरतें ज्यादा करेगी, जयपुर एक्स के लिए कार्पेट्स वही बनाएगी, इसका इसके पीछे कोई खास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे बहुत खास कारण है कि जब मैंने इस धंधे को शुरू किया नो वीवर के साथ 78 में, आज के 40 साल पहले, तो मोस्टली वीवर काम करने वाले आदमी थे। अच्छा। तो मैं देखा है कि वो ज्यादातर छुट्टियां लेते थे, बीच बीच में काम उठ के चले जाते थे, क्वालिटी नहीं बनाते थे, तो हर तरह की प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे कुछ महिलाएं इस काम में आई, तो मैंने देखा कि उनमें बड़ा डिसिप्लिन था। तो 1.5 साल में मेरे को समझ में आ गया कि अब मुझे ज्यादा महिलाओं को एम्प्लॉय करना चाहिए। तो तभी से मैंने ठाना, और अब तो मोस्टली जो ऐसे ऐसे कामों में भी हमने महिलाओं को लगाया है कि जो सोचते थे कि आदमी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे फिनिशिंग वगैरह जो करते हैं उसमें आज तक आदमी करते आए हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी झारखंड बिहार की ऐसी एरिया है जहाँ माना जाता था कि औरतें काम नहीं कर सकती, वहां पर 100% और हमने केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। अरे क्या बात। और उस चीज से उनके उनके लाइफ में भी, उनके घरों पे भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब मैंने इंटरव्यूज में भी पढ़ा कि उन लोगों का जो घर बार है, आदमी भले ही बैठा हो ज्यादातर, लेकिन महिलाएं कमा रही है और महिलाएं घर चला रही है। तो ये सर एक बहुत इंटरेस्टिंग जयपुर एक्स ने एक अचीवमेंट है ये जयपुर एक्स का, कि ज्यादातर हर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि महिलाओं और आदमियों के बीच में जो पेमेंट का गैप है वो बहुत ज्यादा होता है और आदमियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट आपकी कंपनी में ये बिल्कुल उल्टा है, जहां से मतलब महिलाओं पे ध्यान दिया जाता है। और तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी कंपनी में ये किया है, वैसे आपके हिसाब से हर इंडस्ट्री में आपको ये तो ऑफकोर्स लगता होगा कि जो काम आदमी कर सकता है महिलाएं भी कर ही सकती है, तो ये जो ये पेमेंट का डिफरेंस है महिलाओं और आदमियों में, ये कैसे कम किया जाए सर? मतलब हर इंडस्ट्री में हम देखते हैं आजकल कि महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है सेम काम के लिए, सेम काम है बट महिलाओं को 200 मिल रहा है और आदमियों को 300 मिल रहा है, तो ये इसका कारण ये कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मेरा तो सोच इसमें ऐसा ही ना कि महिलाएं जो होती है ना दे आर मोर एफिशिएंट राइट एंड दे आर मोर रिसेप्टिव राइट। महिला को किसी चीज सिखानी ना बहुत आसान है। अच्छा। और अभी हमारे बिजनेस में भी ज्यादातर महिलाएं ले रहे हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो मोस्टली जो जॉब है उनमें महिलाएं काम ज्यादा अच्छा करती है पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं की सैलरी पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और अब इस चीज की समझ पूरे दुनिया में भी आती जा रही है, धीरे धीरे आ रही है। हाँ, और अभी हमारा जो फ्यूचर जो प्लान है कि ये जितनी भी जो महिलाएं हैं, मतलब अभी ये इतना पैसा कमाती है कि पूरे घर का खर्चा अच्छे से निकाल लेती है, एंड दे आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन देयर फैमिली इन द सोसाइटी, लेकिन इनकी भी इनकम को डबल या ट्रिपल कैसे करें, इस पे अभी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। और ये महिलाओं के पास जो विजडम है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इनकी जो मैनेजरिंग स्किल्स है, इनकी जो क्रिएटिविटी है, उसका हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा। कि तो ये महिलाएं हमारे हेड ऑफिस में पूरी सप्लाई चेन में, ये और इनके बच्चे कैसे काम करें, इसका एक बहुत रोबस्ट प्रोग्राम बना, इनको एक बड़ा रोल देने का। हाँ। अच्छा। जिसे काम की महिलाएं जो जयपुर ऑफिस है ना उसको भी चलाएं। अच्छा, थोड़ा प्रोडक्ट पे आते हैं, रक्स पे, तो मेरे को आप थोड़ा समझाइए कि रक्स का जो प्रोसेस है वो कैसे बनता है और कितना काम जाता है एक रग में, क्योंकि मैं समझ रहा था कुछ देर पहले और इसमें बहुत काम जाता है सर लिटरली, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि जो प्रोसेस है एक रग बनाने का, कितनी मेहनत और कितने लोग और कितना काम जाता है उसमें। देखिए जयपुर में क्या है कि मतलब जो राउल होती है भेड़ से जो ऊन निकलती है उस ऊन को खरीदने से लेके ना लास्ट जब तक कस्टमर के घर पे कारपेट पहुंचता है तो सारी प्रोसेस या तो जयपुर की खुद की है या वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा। तो उससे क्या है कि हम लोग खूब अच्छी क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है कि हम लोग रॉ मटेरियल, पेमेंट, कारपेट लाना भेजना सब कुछ उसके डोर स्टेप पे करते हैं।
अच्छा। बल्कि उनकी जो लीडरशिप है, ट्रेनिंग है, हमारे क्वालिटी सुपरवाइजर, ब्रांच मैनेजर भी उनके घर पे जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है कि एवरीथिंग इज प्रोवाइड एट देयर डोर। उनको बस स्वीपिंग करनी है, बाकी सब हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है कि हर गांव में 10 वीवर है, फिर उनका एक सुपरवाइजर है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमको, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है आपके, मतलब 40,000 वीवर है, 4-5 स्टेट में, 500 गांव है, तो ये कैसे हैंडल होता है पूरा प्रोसेस? देखिए, सीके प्रहलाद ने 2008 में इस चीज को सबसे पहले पहचाना। अच्छा। उनकी जो किताब है द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसमें करीब 30 पेज की जयपुर की केस स्टडी की है उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने यही बताया कि जयपुर का जो बिजनेस मॉडल है, जो सप्लाई चेन है, मतलब दिस इज द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इन द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इतनी डिसेंट्रलाइज है कि 6,000 लोगों पे 5 स्टेट में, 600 गाँव में, और हमारा रॉ मटेरियल उन वीवरों के घरों में। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल ये कि देखिए, अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसको नाम दिया आपने सेल्फ मैनेजमेंट। कि हम लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब हम किस लेवल तक जा रहे हैं, मतलब संभव ही नहीं, किस लेवल तक इसको लेके जा रहे हैं। हमने हमारे व्यूवर्स को बोला कि जीरो डिफेक्ट, जीरो वेस्टेज, 100% ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए हमें आपसे। अच्छा। तो हमने उनको डिसीजन करना सिखाया, हमने उनको लर्निंग सिखाया, और हमको 80-85% इसमें रिजल्ट मिले। अरे, तो इतनी कॉम्प्लेक्स और डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन में ना, जो एक हम इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि एक जो इंडस्ट्री के अंदर जो एक चार दीवारी के अंदर जो काम होता है, उससे भी वो बेटर क्वालिटी। अच्छा। कैसे वो बनाए। अच्छा अच्छा। तो मैं जैसे मैंने बताया ना कि देखिए, अगर आप सबको परिवार की तरह डील करते हैं, आप सब लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, उनका आप पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सिंपलिसिटी में बदल जाती है। सर, आप बड़े आसानी से बोल रहे हैं। सर, आपके लिए पॉसिबल है कि आप कर रहे हैं? मतलब सर, मैं समझ नहीं पा रहा, 6,000 रूम आप कह रहे हैं और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, और आप कह रहे हैं बस प्यार से कर लो। तो सर, थोड़ा डिजाइन प्रोसेस के बारे में बताइए, रक्स की जो डिजाइन होती है वो कैसे होती है, और व्यूअर्स तक डिजाइन पहुंच के वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं उसको, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, मेरी जो तीसरे नंबर की बेटी है कविता। अच्छा। वो आर्ट स्कूल ऑफ शिकागो से पढ़ी है। अच्छा अच्छा। और वो बहुत ही एकदम वर्ल्ड क्लास एक ग्लोबल डिजाइनर है, और उसने डिजाइन्स में जो काम किया है, पूरे इंडिया को ऐसे अवार्ड दिलाए हैं जो आज तक कभी मिले नहीं। राइट। और कारपेट इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे लेके गई डिजाइन के मामले में। राइट। तो डिजाइन क्या के सारे हमारे मतलब इन हाउस होते हैं। अच्छा। तो जैसे मेरी बेटी है, हमारे डिजाइनर्स हैं, दुनिया में जितने भी ट्रेड फेयर होते हैं, दुनिया में जो मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उसकी वो स्टडी करते रहते हैं। अच्छा। रिसर्च करते रहते हैं। और हमारा जो डिजाइन डिपार्टमेंट है, उसमें सब लोग मिलके ना बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है। राइट। तो डिजाइन के मामले में भी वी आर, जैसे हम लोग क्वालिटी के मामले में लीडर हैं, ऐसे हम लोग डिजाइन के मामले में भी लीडर। आई थिंक सर, आप लोग रक्स के मामले में लीडर हैं। हां, नोबडी क्लोज आल्सो आपके। और डिजाइन का सिस्टम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि सबके अंदर कोऑर्डिनेशन होने से। राइट। थोड़ा हाईलाइट करेंगे सर जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिजाइन प्रोसेस में? देखिए, डिजाइन के अंदर भी इतनी सारी प्रोसेस है, स्केच है, फिर कलर मैचिंग है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है कि जो कस्टमर को जो कलर चाहिए, जो रियल कलर चाहिए, उसको रियल कारपेट में लाके देना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। अच्छा। क्योंकि वो आपको डिजाइन में कुछ अलग से लगेगा, जब वो रंगाई करके आएगा तब अलग लगेगा, वॉशिंग के बाद में वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, जब कारपेट में आप उसको साफ सफाई करके बनाएंगे उसमें वो अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर इतनी भारी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर जगह उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। अच्छा। हमें उसके अंदर चलना पड़ता है कि कस्टमर तक वो कोई भी तरह का डिफेक्ट ना हो, वेरिएशन नहीं है। राइट। और फिर इतनी सारी प्रोसेसेस में सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन रखना। Exactly. ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर कस्टमर इतना डिमांडिंग है कि मेरे को तो टाइम से चाहिए। हाँ। तो इतने सारे प्रोसेसेस, इतने सारे लोगों को लेके उसको टाइम पे देना, विद क्वालिटी देना, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा चीज है। तो सर, जो आपका प्रोसेस है, आप बता रहे थे कि
एक यहाँ पे डिजाइन बनती है आपके इन हाउस और फिर आप उसको एक शीट में प्रिंट कर या कुछ प्रिंट आउट हाँ, फिर एक, एक नक्शा हाँ एक नक्शा दे देते हैं हाँ और वो नक्शा वीवर्स अपने आप रेप्लिकेट कर देते हैं बिल्कुल तो सर वो लोग जब वापस फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं जैसे आप उनको भी लेके आते हो वापस हाँ, हाँ, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है कि उन्होंने ये चीज बनाई है क्योंकि आई एम श्योर उनको आइडिया भी नहीं होता होगा कि मैंने ये बनाया और ये फिनिश प्रोडक्ट ऐसा है तो वो रिलेट भी करते हैं क्या क्या लगता है उनको मेरे को लगता है सिद्धार्थ आप इतनी स्टडी करके आए कि मैं जितना जानता हूँ तो ज्यादा आप जानते हो देखिए क्या हुआ कि जब हमारे व्यूअर्स संख्या में बहुत ज्यादा हो गए हाँ। तो हमने सोचा कि कैसे व्यूअर के साथ रिलेशनशिप बनाएं हाँ। कैसे क्वालिटी कंट्रोल करें तो हमने एक प्रोग्राम चलाया व्यूअर एंगेजमेंट प्रोग्राम और तो हमारे जितने भी व्यूअर थे उन सबको हम लोग जयपुर लाए अलग अलग ग्रुप में जयपुर लाए तो उनको जयपुर घुमाया फिर आया फिर उनके जो बने हुए कारपेट थे उनमें जो डिफेक्ट थे वो डिफेक्ट उनको दिखाए तो पहली बार उनको समझ में आया कि कारपेट हमने बनाए इतना भारी डिफेक्ट आ गया आज तक उनको मालूम भी नहीं था कि हमारे बनाए हुए कारपेट में कोई गलती भी होती है फिर हम उनको हेड ऑफिस लाए हेड ऑफिस में पूरा घुमाया पूरा हेड ऑफिस दिखाया सबसे मिलाया फिर हमने उन्हीं के बने हुए कारपेट वास्ट कारपेट दिखाए तो उनकी आंखों में चमक आ गई वो इतने एक्साइटेड हो गए कि हमारे बने हुए कारपेट इतने सुंदर है मैं आपके प्रोडक्ट और ये इतने सुंदर कारपेट में हमारी छोटी सी लापरवाही से इतनी बड़ी गलती हो जाती है तो सब ने प्रॉमिस किया कि अब हम आगे से ध्यान रखेंगे गलती नहीं करेंगे और क्वालिटी में इतना भारी सुधार आया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी टिपिकल इनके सर स्टाइल के प्यार से और अपने आप इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा आपको परफेक्ट सर तो सर थोड़ा हुनरशाला के बारे में बात करते हैं हमको बताया जा रहा था तो हुनरशाला का मैं आपको बताऊं जब हमने देखा है कि ये जो महिलाएं हैं ये अपनी खुद की डिजाइन के कारपेट बना के इन्होंने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया आठ पिछले पांच साल में आठ तो ग्लोबल अवार्ड मिल गए तो मैंने कहा कि ये महिलाओं के जब ग्लोबल अवार्ड ला सकती है तो एक एक्सपेरिमेंट इन बच्चों के साथ भी करें अच्छा उनके बच्चों के साथ हाँ, हाँ कि उन महिलाओं के जो बच्चे हैं उनमें भी वही टैलेंट होनी चाहिए अच्छा तो ये सोच के हमने हुनरशाला को शुरू किया अच्छा और अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत नया हमारे लिए हाँ, लेकिन पिछले तीन चार महीने में देखा हमने कि हर बच्चे के अंदर एक एक बीज है हर बच्चे के अंदर एक की कैपेबिलिटी है कुछ कला हर एक में हाँ हर बच्चे में कला है तो वो कला न तो पढ़ाई के माध्यम से बाहर आ सकती है न परिवार वाले लोग उसको माध्यम ला सकते हैं तो हमने ऐसे 15-20 कलाओं पे उनके साथ काम करना शुरू किया है अच्छा। और हमें इसकी बहुत भारी सक्सेस की और ये कहाँ पे है सर उम्मीद है ये इसमें इसमें आसपुरा में आसपुरा में और दो हुनरशाला अभी हम नेक्स्ट मंथ और अभी नई शुरू और करने जा रहे हैं और सर मुझे शांति देवी के बारे में बात करना था हाँ जी हाँ उनका उनकी बहुत अच्छी स्टोरी है अगर आप हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में बताएंगे तो देखिए शांति स्टोरी का मैं आपको बताऊं जब 10 साल पहले उसने जयपुर के साथ वो जुड़ी हाँ। तो वो एक फैक्ट्री में जाती थी काम काम करने के लिए अच्छा। और वो वहां न उसकी कोई इज्जत थी लोग उसको एक घृणा की नजर से देखते थे एक औरत होने के नाते वो सुरक्षित भी नहीं महसूस करती थी तो एक बार वो पहले कारपेट का काम सीखी हुई थी अच्छा। तो एक बार किसी ने बताया कि जयपुर आया है राजस्थान में और काफी अच्छी कंपनी है तो उसने सोचा कि उसने फोन नंबर लिया हमारे ब्रांच मैनेजर के अच्छा। और ब्रांच मैनेजर को टेलीफोन किया अच्छा। तो लोग अपने घर पे लगा के अच्छा। इस धंधे की शुरुआत की आज उसके गांव में 60 के करीब लोग हैं 150 वीवर है अच्छा। और अभी 20 वीवर की वो एक काफी बड़ी ट्रेनिंग करवा रही है और ये सब कुछ शांति देवी अकेले ही देखती है मतलब वो सुपर हाँ 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 अच्छा और शांति देवी अभी शाहरुख खान से मिल चुकी है फोर्ब्स मैगजीन दुनिया भर की मैगजीन्स में आ चुका है उनकी गौरी खान भी हाँ हाँ गौरी खान से मिलने के लिए भाई एयर गई थी वो और अभी कितने सारी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है अच्छा, उसमें एज ए स्पीकर वो जा रही है और पूरे गांव को ना वो ट्रांसफॉर्म करने में लगी है तो वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है जयपुर की कि एक वीवर की लाइफ में आप कितना डिफरेंस ला सकते हैं शांति देवी से मिलकर तो सर मुझे थोड़ा सा ये आपका जो जयपुर रक्स का वीवर्स के साथ कनेक्ट है और जो एक रिलेशनशिप आपने बनाई है ओवर द इयर्स इसके लिए क्या एसेंशियल है सर आपके हिसाब से ऑफ कोर्स आपने बोला प्रेम से व्यवहार करो बट प्रेम से बहुत लोग करते भी है सर जाके व्यवहार लेकिन एक 40 साल तक एक रिलेशनशिप बना के रखना तो उस
वो आपके हिसाब से जयपुर रॉक्स ने वो कैसे किया? कि देखिए, उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, बिजनेस के बारे में उनको सब कुछ बताना, कस्टमर के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, और हम जो मोस्टली जो निर्णय करते हैं उसमें फ्रंट लाइन का रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा, तो हमारे व्यूअर को ये नहीं लगता है कि हमारी जो अप्रोच है ना वो टॉप डाउन अप्रोच है। अच्छा, हमारी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। तो सारे व्यूअर्स को लगता है कि सारे डिसीजंस में हम लोग शामिल हैं। अच्छा सर, और हम लोग ये जो जयपुर ऑफिस है ना हम लोग चला रहे हैं। अरे वाह। एंड वी पे द सैलरी टू द प्रोफेशनल्स। अच्छा अच्छा, प्रोफेशनल डोंट पे द सैलरी टू अस एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। अच्छा अच्छा, तो प्राइड, वो एक प्राइड डिग्निटी, एक वो मालिक का भाव है ना, भाव आता है, और वास्तव में वो लोग डिसीजन में शामिल है। प्रोफेशनल्स को वो बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो एक रियल जो मालिकियत है उसको महसूस भी कर पाते। तो मालिक कभी छोड़ के थोड़ी जाएगा अपने घर को, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सर, एक और बात मैंने पढ़ी थी कि जयपुर रॉक्स कंप्लीटली फैमिली रन बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल फैमिली रन बिजनेस। आपके सारे बच्चे इन्वॉल्व्ड है बिजनेस में, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि कैसे, कौन कौन, क्या डिविजन। और देखिए, मेरे 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और जब बड़े वाली बेटी ने मेरे को बोला कि पापा मैं अमेरिका पढ़ने जाऊंगा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, मैं एक 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 वीवर हूँ, वीवर और वीविंग मेरे को बहुत, मतलब ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। अच्छा, तो तुम अमेरिका जाओ तो एज ए वीवर की बेटी के रूप में जाना। अच्छा, बहुत वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखना कि वहाँ का जो कस्टमर है जिसके लिए मैं कारपेट बनाता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई के साथ उस कस्टमर की नीड्स को भी समझना। अच्छा, तो फिर मेरे 500 बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए गए, और उन्होंने वहाँ पर जो अमेरिकन लाइफस्टाइल थी उसकी खूब अच्छे से स्टडी की। तो जब वो पढ़ लिख कर आए, और एक एक बच्चा जब बिजनेस में ज्वाइन करने लगा तो बिजनेस की ग्रोथ एकदम वाइल्ड फायर की तरफ बढ़ती है, बढ़ती चली गई। क्योंकि इधर तो उनको कारपेट की, वीवर की, ग्रास रूट की, पूरी प्रोसेस की समझ थी, उधर उनको कस्टमर की समझ भी आ गई। तो दोनों चीजों का मेल किया। तो बड़े वाली जो बेटी है आशा, वो आज अमेरिका की कंपनी चलाती है। अच्छा, उसका $50 million का बिजनेस है हर साल का, सीधा CEO। तो दूसरी बेटी अर्चना, वो वहाँ का सप्लाई चेन देखती है। और जो तीसरे नंबर की बेटी है कविता, वो इंडिया में है। अच्छा, और वो पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट देखती है। मैंने बताया वो जो आर्ट स्कूल जाके आई है। हाँ, तो इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये मंसा प्रोजेक्ट भी उसी के दिमाग की। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देख रहा था उसका। तो फिर बेटा योगेश आया, तो उसने सेल्स और मार्केटिंग में इतना काम किया कि अभी तक हम एडेंट सेंड एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया सेल्स और मार्केटिंग में कि ये साल 20% जो हमारी सेल है वो इंडियन मार्केट से आएगी। अरे क्या, इंडियन मार्केट को उस लेवल पे ले गया जिसकी कोई सोच नहीं सकता, पहले सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट था, लग्जरी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट। और उसे जो छोटा बेटा है नितेश, वो अभी मतलब उसको एक फ्यूचर CEO के रूप में तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसकी कोचिंग चल रही है और वो पूरा सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। जयपुर के फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स हैं? देखिए, जयपुर के फ्यूचर प्लान यही है कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एंड कंज्यूमर से हमें कनेक्ट करना है। अच्छा, तो एंड कंज्यूमर और व्यूअर दोनों इमोशनली कनेक्ट हो। कनेक्ट, तो एक्चुअली वी आर नॉट सेलिंग द कारपेट, वी आर सेलिंग द ब्लेसिंग्स, वी आर सेलिंग द स्टोरी, वी आर सेलिंग द एक्सपीरियंस। तो आने वाले समय में मतलब क्या है कि एंड कंज्यूमर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, व्यूअर्स, इंडियन डिजाइनर्स, वो सब साथ मिलके को क्रिएशन करेंगे। अच्छा, और आप आसपुरा में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे कारपेट चल रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक को क्रिएशन चल रहा है। अंदर भी एक वो एग्जांपल और मैं देख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल है वो। हाँ जी, हाँ, जिस तरह से वो निखर के आया नीचे से ऊपर, वो फेमस डिजाइन बन गया दुनिया में। हाँ, बहुत फेमस, जैसे ही आप जयपुर गूगल करोगे अंतर तो पहले ऐसा जाएगा। बहुत बहुत ही खूब बनाया हुआ उसको।
और सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मतलब 1978 चार रूम से स्टार्ट किया, आज यूएस में $50 मिलियन, यहाँ पे आई एम श्योर 150 करोड़ का टर्नओवर, तो एज एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन मिस्टर नंदकिशोर चौधरी अब आगे क्या लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अब आगे और क्या अचीव करना है, कि अब क्या गोल है अपना, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए मेरा जो नेक्स्ट गोल है ना, ऐसे लोगों को लेके है, द पीपल हु आर अलाइन्ड विद द वैल्यूज, द पीपल हु आर अलाइन्ड विद द पर्पस, उन लोगों को लेके एक फ्यूचर लीडर्स तैयार करने, और ग्रास रूट पर ना फ्यूचर लीडर्स तैयार करने, राइट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छा अच्छा, और सर आई एम श्योर बिजनेस समाज लोगों को एक साथ लेके एक साथ ऊपर लेके आए, हाँ एग्जैक्टली, और जो मैन जो purpose है, future purpose, that everybody get enlightened. अच्छा. जो जयपुर से जो भी जुड़ा हुआ है, he must get enlightened. अच्छा अच्छा. क्योंकि business is a journey of consciousness and clarity of purpose. अच्छा. Perfect. Sir, इस note पे I would like to end. This is a perfect note. और thank you so much sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. और जयपुर को हम आज ही इस इंटरव्यू के बाद और ज्यादा दिलचस्पी से कवर करना चाहेंगे, जरूर जरूर, तो बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, थैंक यू, आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर।